उदाहरण 20। यदि कोण ए, कोण बी व कोण सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन कोष्टक में ए धन बी बटा दो कोष्टक बंद बराबर कॉस सी बटा दो। ये हमें सिद्ध करना है। हल दिया है कि ए बी व सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। तो ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। कहीं हम सी का पक्षांतर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा ए धन बी बराबर 180 अंश ऋण धन सी का पक्षांतर करेंगे तो ऋण सी। इसे हम समीकरण एक मानते हैं। पुनः हम बायां पक्ष लेते हैं बायां पक्ष में हमें जो सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष है साइन ए कोष्टक में ए धन बी बटा दो कोष्टक बंद। इसमें हम समीकरण एक में हमने देखा था कि ए धन बी का जो योग है वो हम लिख सकते हैं 180 अंश ऋण सी। ए धन बी का जो योग है बराबर 180 अंश ऋण सी है तो हम साइन ए धन बी के स्थान पे समीकरण एक से हम क्या लिखेंगे यहाँ कोष्टक के अंदर में 180 अंश ऋण सी बटा दो कोष्टक बंद बराबर अब 180 बटा दो और सी बटा दो कर लेंगे हम यहाँ तो साइन कोष्टक में 180 अंश बटा दो ऋण सी बटा दो कोष्टक बंद 180 बटा दो किया है ऋण सी बटा दो किया है बराबर साइन 180 अंश बटा दो 90 अंश ऋण सी बटा दो। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 अंश ऋण थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा के स्थान पे है हमारे पास सी बटा दो और ये जो कॉस सी बटा दो है वो दिए गए प्रश्न का दायां पक्ष है तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर दायां पक्ष। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि दिए गए प्रश्न में साइन ए धन बी बटा दो बराबर कॉस सी बटा दो में जब हमने सिद्ध करने के लिए बाएं पक्ष को लिया था और इसको करते हुए कॉस सी बटा दो दायां पक्ष प्राप्त किया तो इस तरह से ये प्रश्न हल हुआ। यह इस उदाहरण का हल होगा।